पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह, अब आपके घर को लगाए चार चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, रिफ्रिजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स मगतपुर की रीडिंग। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है, साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोती लेदागी। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक्साइट एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन पेजेस बरगंडा ग्रीन। ईद मिलादुन नबी पर विभिन्न इलाकों से निकाला गया मोहम्मदिया जुलूस। मौलाना आजाद चौक पर जुटे हजारों लोग। बरवाड़ी में किया गया भव्य जलसा, एक दूसरे को दी गई बधाइयां। नौजवान कमेटी ने जुलूस में शामिल लोगों को खान पान के साथ की खिदमत। ग्रामीण इलाकों में भी खूब जोश खरोश के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी। गांडे, पेंगाबाद, जम्मू समेत जिले भर में निकाला गया जुलूस, उत्साह के साथ मनाया गया पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने शारदा कन्या मध्य विद्यालय में आयोजित किया कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा का किया गया अभिनंदन। राज्यपाल से इन्हें मिला है सम्मान, इसी उपलक्ष में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर सरिया ठाकुरबाड़ी से इनकलाबी नौजवान सभा ने निकाली पैदल मार्च। भाजपा सरकार पर साधा निशाना, सरकार के खिलाफ गोलबंद होने का किया आह्वान। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में काफी धूमधाम और सौहार्दपूर्ण
माहौल में मोहब्बत व अमन का पैगाम देने वाले मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें रंग बिरंगे पोशाकें और हाथों में इस्लामिक झंडे लिए बड़े और खासकर छोटे छोटे बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। दुनिया को मोहब्बत व अमन का पैगाम देने वाले मोहम्मद साहब का जन्मदिन गिरिडीह में काफी धूमधाम और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस मौके पर गिरिडीह के मौलाना आजाद चौक से जुलूस ए मोहम्मदिया निकाला गया, जो बरवड़ी करबला मैदान पहुंचकर एक जलसा में तब्दील हो गया। इस जुलूस में काफी गणमान्य लोगों के साथ साथ सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी शामिल हुए। रंग बिरंगी पोशाकें और हाथों में इस्लामिक झंडे लिए बड़े और खासकर छोटे छोटे बच्चे जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। बच्चों में तो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। मौके पर इरशाद अहमद वारिस, नौसाद अहमद चांद, सरफराज चांद, साहिद अख्तर, मोहम्मद अशदुल्ला समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इधर मोहनपुर, बिसनपुर, पचम्बा, सिद्धार्थी, तेलोडी समेत आस पास के तमाम इलाकों में भी खूब अकीदतों एहतराम के साथ ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया गया। यहाँ भी हर उम्र और हर वर्ग के लोग खूब उत्साहित नजर आए। निकाला गया तंजीम अहले सुन्नत के बैनर के नीचे बहुत ही अमन और शांति के साथ ये जुलूस मुकम्मल हुआ और बरवड़ी करबला मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत बयान की गई और सारे लोगों ने बहुत अच्छा अमन और शांति मनाने में बहुत लोगों ने सहयोग किया। पूरे गिरिडीह प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे से ये अपने जो प्रशासन माहौल है बहुत अच्छा रहा और अमन शांति कैम रहा, ये हम के लिए बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने गिरिडीह के अमन शांति के लोग हैं वो लोग अमन शांति हत्यावाद हुए। शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर बेगाबाद प्रखंड के अलग अलग इलाकों में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मोहम्मदी जुलूस निकाल कर मनाया गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मिलादुन नबी की बधाई दी और मिठाई बांटकर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशियां बांटी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में खूब धूमधाम से मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर प्रखंड के अलग अलग इलाकों से मोहम्मदी जुलूस निकाला गया। जुलूस में नौजवान, बूढ़े, बच्चों और बच्चियां समेत काफी संख्या में खास व आम शामिल हुए। जुलूस के दौरान सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा समेत अन्य इस्लामी नारे बुलंद किए गए। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मिलादुन नबी की बधाई दी और मिठाई बांटकर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशियां बांटी। इस मौके पर प्रखंड क्षेत्र के कर्णपुरा, मुंडहरी, लखनपुर, धावाटांड, महतोड़ी, छुटकी खरडिया, देवाटांड, चितमाडी, खुटरीबाद, घुटिया, फिटकोरिया, कजरों समेत अन्य कई इलाकों से जुलूस निकाला गया। वहीं कर्णपुरा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने हुजूर मोहम्मद साहब की शान में नाते पढ़ी। मौके पर इस्लामी धर्मगुरुओं ने पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोहम्मद साहब दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है। उन्होंने आपसी भाईचारे के साथ जीवन बिताने का सीख दिया है। मौजूदा समय में भी हमें अमन और शांति और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की जरूरत है। जुलूस मोहम्मदी के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम को लेकर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। वहीं BDO निशा कुमारी, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश रंजन, थाना प्रभारी विकास पासवान एवं अन्य अधिकारी इलाके में गश्त पर लगे हुए थे। इधर जलसा जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों की अहम भूमिका बनी हुई थी। मोहम्मद मदीने में मौजूद है।
पूरे पंचायत के जनता, पूरे पंचायत के नन्ही मुन्नी बालक और बालिकाएं यहाँ पर आई और जो अपना कला का प्रदर्शन किया, यह काफी काबिल-ए-तारीफ है। हम मुबारकबाद देते हैं उनके गुरुजनों को, शिक्षकों को, जिन्होंने इन्हें अच्छा तालीम दिया और उस तालीम का प्रदर्शन बच्चों ने कितने विनम्रतापूर्वक किया। मेहनत करके इस प्रोग्राम में अपना अहम रोल अदा किया और इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम को करने के लिए एक कमेटी यहाँ से अलग से बनी हुई है। जिन लोगों ने जो कुछ खर्च यहाँ हुए हैं उसको गांव से उन लोगों ने चंदा लिया अंजुमन से और उसको करने की यहाँ की कोशिश की, पंडाल का इंतजाम किया और ये सारा काम जो लड़के लोग थे शमीम है, शाहिद है। गुरुवार को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योमे बधाई पर गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ की ओर से बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल एवं सब्जी का वितरण किया गया, जिसमें हिंदू वेंडर एवं मुस्लिम वेंडर ने मिलकर इस कार्य में सहयोग कर भाईचारा का संदेश दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योमे पैदाइश पर गुरुवार को गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ की ओर से बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल एवं सब्जी का वितरण किया गया। गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा टार्जन ने कहा कि आज का दिन शुभ होने की वजह से हम लोग गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के साथियों द्वारा फल एवं सब्जी का वितरण बुजुर्गों के बीच करने का मौका मिला। हमारे हिंदू वेंडर एवं मुस्लिम वेंडर ने मिलकर इस कार्य में सहयोग किया और भाईचारा का संदेश दिया। संघ के सचिव मोहम्मद अफगान उर्फ बबलू ने कहा, हमारी संस्था सामाजिक काम के साथ साथ अपनी हक की लड़ाई भी लड़ेगी और आने वाले दिनों में वेंडर्स को एकता बनाते हुए चलना है ताकि समाज में भाईचारा का एक पैगाम जाए। कोसा अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने भी बुजुर्गों द्वारा दिए गए आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। मौके पर मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अनवर अफसर, मोहम्मद अजीम, धीरज कुमार, सुनील कुमार, गुट्टू भाई, शक्ति कुमार शाह, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद आदिल, विकास कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। हम लोग हमारे मोहम्मद साहब के योम पैदाइश के मौके पर गिरिडीह के वृद्धा आश्रम में पहुंचकर गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के माध्यम से फल एवं सब्जी का वितरण किए हैं, जिसमें हमारे गिरिडीह के जितने भी वेंडर्स हैं सभी की ओर से आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर हम लोग वृद्धा आश्रम में जाकर फल का वितरण किए। इस मौके पर सभी पदाधिकारी और साथीगण को मैं मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर बधाई भी देता हूँ और सभी देशवासियों को और गिरिडीह वासियों को भी बधाई देता हूँ। बनेरी ऑफिसर कॉलोनी के पास बुधवार देर शाम घर के बाहर खड़ी अपाची बाइक को चोरों ने चोरी कर ली। चोरी की इस घटना से मोहल्ले वाले दहशत में और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बनियाडी अफसर कॉलोनी के पास से चोरों ने घर के बाहर खड़ी अपाची बाइक की बुधवार देर शाम को चोरी कर ली। गुरुवार को मुफसिल पुलिस ने इस पर जांच पड़ताल शुरू की। बताया गया कि बनियाडी कॉलोनी में रहने वाले रामेश्वर राम के घर में टाइल्स मिस्त्री का काम करने आए चैताड़ी बिसरा बहियार के सलमान अंसारी की बाइक चोरी हो गयी। बता दें कि इसी मोहल्ले के रहने वाले सतीश कुमार मिश्रा के घर के बाहर खड़ी उनकी डिस्कवर बाइक की चोरी कुछ दिन पहले ही हो गई थी। एक सप्ताह के भीतर इस मोहल्ले से चोरों ने दूसरी बाइक की चोरी कर ली। चोरी की इस घटना से मोहल्ले वाले दहशत में हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 9:30 बजे रात में हम पढ़ा करके घर के बाहर गाड़ी खड़ा रखे। 10 मिनट के अंदर खाना खाने के बाद देखते हैं गाड़ी गायब है वहाँ से। प्रशासन के पास शिकायत करने के बाद प्रशासन रात में आया, खोजबीन किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। भाई करीब 4:30 बजे पानी जब पड़ रहा था उसी टाइम मतलब की घटना है। वो पानी पड़ा तो वो काम करने आया था मेरे के, वो टाइल्स का काम कर रहा था। काम करने के बाद
हमको बोला कि आप एक तो सामान ले आइए, तुम दुकान पर निकले तो देखे गाड़ी वहाँ नहीं है, तब से कहीं गाड़ी रखा होगा, तो फिर उधर से घूम के आए तो बोले कि सलमान क्या गाड़ी तुम कहाँ रखा है, तो बोले हम बाहर ही रखे हुए हैं, बोले गाड़ी तुम्हारा वहाँ नहीं है, तो उसके बाद जब भी आता दौड़ के देखने के लिए तो उसका गाड़ी नहीं है, उसके बाद हम सलमान दोनों मिलके पूरा अपना अगदोनी उगदोनी जो आपका घर पूरा जाकर पूरा घूमे पानी में भी। कितने बजे शाम की घटना? करके 4:30 बजे। हाँ इसी महलों में ठीक है, वो भी यही प्रोग्राम के बगल में ही एक तो है, उनका भी मतलब की चोरी हुई थी करीब 9 बजे रात को घर के पास। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में गुरुवार को झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्मा में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा को गुरुवार को सम्मानित किया गया। बताया गया कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा इन्हें सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में शानदार रूप से जिला स्तर पर इनका अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश संयुक्त सचिव मदन कुमार रतन, संगठन सचिव मुकेश कुमार, मीडिया प्रभारी परमानंद महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपक कुमार व राजेश कुमार ने किया। मौके पर मदन कुमार रतन ने कहा कि यह सम्मान शिक्षक सम्मान के साथ साथ हमारे संगठन का भी सम्मान है, जो बहुत ही गौरव की बात है। जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि राज्य स्तर पर संगठन का सम्मान बढ़ा है और जिला का भी सम्मान बढ़ा है, और हम लोग आज सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम को राजेश कुमार, ललन कुमार लाल, मंटू कुमार सिंह, महेंद्र कुमार, भीमलाल कुमार वर्मा, मनोज वर्मा आदि ने भी संबोधित किया। वहीं विद्यालय के बच्चों के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया एवं लखन रविदास के द्वारा प्रेरणा गीत गाकर सम्मान दिया गया। जिला अध्यक्ष दीपक कुमार, प्रधान सचिव राजेश कुमार एवं उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, संगठन के पदाधिकारियों ने फूल माला व बुके देकर प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र कुमार एवं धन्यवाद आभार राजेश कुमार व दीपक कुमार ने किया। स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जिला इकाई गिरिडीह के द्वारा मुझे सम्मानित करने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम इसके लिए जिला इकाई के अध्यक्ष, प्रधान सचिव सहित प्रखंड अध्यक्ष एवं तमाम पदाधिकारियों एवं सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी और हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ इस तरह का पुरस्कार प्राप्त करें और अपने अच्छे कार्य करके यह दिखा दें कि शिक्षक काम करने वाले हैं। शिक्षकों के ऊपर जो भी आरोप लगाए जाते हैं वो एकदम गलत है। शिक्षक मेहनती हैं, शिक्षक काम करते हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं, मेरा यही संदेश है। शारदा कन्या मध्य विद्यालय के प्रांगण में श्री अशोक कुमार मिश्र, जो राज्यपाल के द्वारा सम्मानित हुए, उनके सम्मान समारोह में हम शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए, और यह कार्यक्रम जिला कमेटी के द्वारा रखा गया, जिसके लिए मैं जिले कमेटी को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। कन्या मध्य विद्यालय पचम्मा में झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जिला गिरिडीह इकाई के द्वारा राज्यपाल से सम्मानित हमारे संगठन के राज्य अध्यक्ष एवं शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा गिरिडीह के प्रधानाध्यापक श्री अशोक कुमार मिश्रा जी का सम्मान समारोह रखा गया। यहाँ राज्य कमेटी के द्वारा भी उपस्थित होकर, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के द्वारा सभी उपस्थित होकर के हमारे राज्य अध्यक्ष जी को सम्मानित किया गया, और इनसे बहुत सारी बातें सीखने को प्राप्त हुई कि कैसे हम लोग भी इनके कर्मों के द्वारा चल करके आगे राष्ट्रपति पुरस्कार तक जाएं, और विभिन्न शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हमारे अशोक सर का मैं गिरिडीह जिला के तमाम शिक्षकों की तरफ से। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहां है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहां करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहां कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रीडी। शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदर, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया, जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया, जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन,
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह के इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया, सेवा। नौजवान सभा ने RYA के बैनर तले भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च के माध्यम से आज के राजनीति में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एकजुट होकर विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। में इनकलाबी नौजवान सभा ने RYA के बैनर तले शहीद आजम भगत सिंह के 116वीं जयंती समारोह पर सरिया ठाकुर बारी फिर से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RYA नेता संदीप जायसवाल ने कहा कि भारत में आज नफरती सरकार है। मोदी और भाजपा सरकार शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को चकनाचूर कर रही है। यह सरकार पूरे देश में सांप्रदायिक जहर घोल रही है, जिसके खिलाफ देशव्यापी युवा संकल्प मार्च के माध्यम से देश में गंगा जमनी तहजीब जिंदा रखने व रोजगार को लेकर संकल्प यात्रा निकाली गई है। वहीं विधायक विनोद सिंह ने कहा कि देश की मोदी सरकार धर्म की राजनीति बांटने का कार्य कर रही है और रोजगार नीति पर मौन है। देश की संपत्ति अंबानी अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट को बेचा जा रहा है, जिसके खिलाफ एकजुट होकर विरोध करेंगे तो देश विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह के जयंती पर इनकलाबी नौजवान सभा ने देश व्यापी जो है युवा संकल्प मार्च का आयोजन किया है। यह युवा संकल्प मार्च का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम देख रहे हैं इस देश के अंदर जो शहीद आजम भगत सिंह ने जो देश का सपना देखा था, उस सपने को जो है भाजपा और मोदी की सरकार जो है चकनाचूर कर रही है और पूरे देश के अंदर जो है वो सांप्रदायिकता का जहर जो है फैला रही है। लोगों को रोजगार देने के बजाय जो है लोगों को मुद्दे से भटका रही है। आज हम लोग जो है पूरे देश व्यापी संकल्प मार्च के माध्यम से देश के नौजवान संकल्प ले रहे हैं कि इस देश में जो गंगा जमुना तहजीब है, इस देश में जो रोजगार की लड़ाई है, इस देश में जो है संविधान पर हमला है, उसके खिलाफ जो है देश के नौजवान जो है एकजुट होंगे, संकल्प लेंगे और आने वाले समय में यह सरकार जो नौजवानों के रोजगार की दुश्मन है, जो सरकार देश के जो है सांप्रदायिक सौहार्द की दुश्मन है, जो सरकार जो है इस देश के अंदर जो जमहूरियत है उसकी दुश्मन है, उसके बरखिलाफ जो है बड़े आंदोलन का जो है आगाज का संकल्प लेगी। जम्मू प्रखंड व चित्तरडी समेत कई गांवों में गुरुवार को शांति और हर्षोल्लास के साथ ईद मिलादुन्नबी त्योहार मनाया गया, जिसमें सभी गांवों में जुलूस निकालकर पैगंबर हजरत मोहम्मद के ओमे पैदाइश का जश्न मनाया। जम्मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम चित्तरडी, खरिकवा टाण, अटको, अरवा टाण, बाराडी, घोरंजो, हारोडी, मधवा नावाडी, डुमरडीहा, बागमारा, पत्रोगुंडी, मलुआ टाण समेत सभी गांवों में पैगंबर हजरत मोहम्मद की ओमे पैदाइश के मौके पर ईद मिलादुन्नबी शांति सौहार्द और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी गांवों में जुलूस निकाला गया और पूरे गांव के जुलूस में सभी गणमान्य लोग और बच्चे शामिल हुए। जुलूस को सफल बनाने में जमुआ प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन को सभी गांव के सदर व सेक्रेटरी ने धन्यवाद दिया है। बताते चले कि आज के ही दिन 1450 साल
पहले हजरत मोहम्मद का जन्म अरब की धरती पर हुआ था। मौके पर खरीखवा टांड के सदर मोहम्मद आलम अंसारी ने कहा कि ईद मिलादुन नबी हमें शांति, अहिंसा और भाईचारे का संदेश देता है। मौके पर चित्तरडी मुखिया उमा देवी, बलगो मुखिया केसरी देवी, कारोडी मुखिया कुंती देवी, बिरहबाद मुखिया सोनी देवी, धर्मपुर मुखिया लोकनाथ हजरा, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद खलील अंसारी, शहादत आलम, मोहम्मद आमीन अंसारी, जयप्रकाश सिंह, मोहम्मद सरताज परवेज, अकबर अंसारी, रकीब अंसारी, जुमदली मियां, मुख्तार आलम, शमशेर आलम सहित कई लोग मौजूद थे। उसी के लेकर पूरे दुनिया में मोहम्मद साहब का यौमे पैदाइश मनाया जाता है, पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। ईद मिलादुन नबी आज हमारे जो है हमारे गांव कस्बे और हमारे पूरे खरगडिया में जो है बढ़ चढ़ कर बच्चे से लेकर बूढ़े तक के इस जुलूस में शामिल हुए हैं। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ग्राम खरगडिया पंचायत के वासियों की ओर से चकमंजो खजुआड़ी और सभी तमाम लोग इस जुलूस में शरीक हुए। प्रशासन की अहम भूमिका रही, जुलूस को सजा के निकालने में हमारे साथ प्रशासन की अहम भूमिका है। इस पर्व पर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से सभी को शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ईद मिलादुन नबी के मौके पर गुरुवार को मौलाना आजाद चौक के पास मोहम्मदिया जुलूस की खिदमत में नौजवान कमेटी की तरफ से फल, शरबत, पानी का वितरण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ईद मिलादुन नबी के मौके पर गुरुवार को मौलाना आजाद चौक के पास मोहम्मदिया जुलूस की खिदमत में नौजवान कमेटी की तरफ से शरबत पानी, जर्दा पुलाव, खिचड़ा, मिठाई, मिल्क शेक, जूस और फल का वितरण किया गया। यहां तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में हर साल मोहम्मदी जुलूस में आने वाले लोगों के लिए ये खिदमत किया जाता है और आगे भी करते रहेंगे। मौके पर जिशान अली, रॉकी, वीरू, राजा, असलम, फैजल, इमरान, डब्लू, पप्पू हुसैन, सद्दाम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गिरिडीह कॉलेज परिसर में चल रहे 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वही कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का भ्रमण करते हुए इसमें दी गई योजना संबंधित जानकारी की सराहना की। गिरिडीह कॉलेज परिसर में चल रहे 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण कुमार तथा सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी अभिनव कुमार सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सभी ने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का भ्रमण करते हुए इसमें दी गई योजना संबंधी जानकारियों की सराहना की। बाद में सभी अतिथियों को अंग वस्त्र, मोमेंटो और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। बता दें कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो की क्षेत्रीय धनबाद इकाई द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से अमृत महोत्सव अंतर्गत पोषण माह, स्वच्छता की सेवा, मेरी माटी मेरा देश अभियान पर यह प्रदर्शनी लगाया गया है। अपने संबोधन में डीएससी विनय कुमार ने कहा कि केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जिले में लगाई गई यह काफी अच्छी प्रदर्शनी है, जिसका इसके दर्शकों पर एक लास्टिंग इंस्पिरेशन पड़ेगा। यह हमें एक बेहतर नागरिक बनाने की प्रेरणा देने के साथ साथ हमारे देश प्रेम की भावना को भी जागृत करती है। क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि प्रदर्शनी में एक तरह से पूरा जीवन चक्र दिखाया जा रहा है। नवजात शिशुओं के पोषण से लेकर बीते इतिहास का अमृत महोत्सव, इस प्रदर्शनी का निचोड़ हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार को सुधारने का काम करना है। अभिनव कुमार ने छात्रों को कहा कि आप यहां से भी सीख कर जाए, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। इससे पूर्व क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडे ने CBC धनबाद द्वारा लगाई गई इस 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के विषय वस्तु से सभी अतिथियों और दर्शकों का परिचय करवाया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। गांडी प्रखंड क्षेत्र के फुलजोरी समेत कई इलाकों में गुरुवार को ईद मिलादुन नबी का जश्न बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन नबी का जश्न गुरुवार को गांडी प्रखंड क्षेत्र के फुलजोरी सहित कई इलाकों में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया।
ईद मिलादुन नबी के मद्देनजर जहां एक तरफ गांडे की फुलजोरी पंचायत के पहाड़ीडी ईदगाह मैदान में ईद मिलादुन नबी के मौके पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, वहीं फुलजोरी पंचायत के विभिन्न गांव जैसे फुलजोरी, सोनाजोरी, मोचियाडी, कारोडी, परतापुर आदि गांव समेत घाटकुल पंचायत के भडरकुंडा, मोहलीडी, आहारडी आदि गांवों का जुलूस जमा हुआ एवं मंच के माध्यम से यौमे पैदाइश नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्लिम समुदाय के बच्चे बच्चियों व उलामा इकराम द्वारा एक से बढ़कर एक नातिया कलाम व तकरीर पेश किया गया। इस नेक मौके पर अकीदतमंदों के बीच लंगर भी बांटे गए। मिलन समारोह को कामयाब बनाने के लिए मौके पर समाज सेवी सुलेमान अंसारी, सिराज अंसारी, अब्दुल रजाक, शहादत हुसैन, मुख्तार अंसारी, अब्दुल रहीम, सलाउद्दीन अंसारी सहित मौलाना शमसुद्दीन इमाम, बनरकुंडा मौलाना सैफुल्ला हैदर, हाफिज सुल्तान, मौलाना अब्दुल बारिक, हाफिज हासिम कादरी सहित कई मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे। वहीं गांडे के डोकीडी पंचायत अंतर्गत रकस्कूटो, तुरुकतोफा, दलवाडी, परमाडी, गिरनिया आदि गांवों का जुलूस गिरनिया मोड़ में जमा हुआ, जहां से यौमे पैदाइश नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक से बढ़कर एक बेहतरीन नात व तकरीर झूम कर पढ़ा गया। इस दौरान मौके पर डोकीडी मुखिया अकबर अंसारी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि साकिर हुसैन, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम, उप मुखिया मौकी मंसारी, मोहम्मद इम्तियाज, जाकिर हुसैन, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद मालू खान, अनवर अली, मोहम्मद शमी, मोहम्मद अख्तार, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इनाम सहित कई उलेमा इकराम व सैकड़ों अकीदतमंद मौजूद थे। बता दें कि इस मौके पर मस्जिद, मदरसों सहित अन्य इबादत गाहों से लेकर घर मकानों को जहां आकर्षक झालरों से सजाया गया था, वहीं सड़क से लेकर छतों तक पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का परचम लहराता रहा। मधुबन बिजनेस में गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मधुबन बिजनेस में प्रेस वार्ता कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। दूसरी बार कोयलांचल क्षेत्र के उपाध्यक्ष चुनने पर प्रदीप अग्रवाल ने सभी जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शाह गिरिडीह चैम्बर के पदाधिकारियों में प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद कुमार, दिनेश खैतान, राजेंद्र भरतिया मुख्य रूप से प्रेस वार्ता में मौजूद थे। चैम्बर के पदाधिकारियों ने इस दौरान कहा कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गिरिडीह के प्रतिनिधियों की संख्या 100 करीब होने के कारण फेडरेशन ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साहब उद्योगपति प्रदीप अग्रवाल को JTURCC रेलवे परामर्श धात्री समिति के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित किया था, जिसे रेल बोर्ड ने स्वीकार भी किया, क्योंकि परामर्श धात्री की बैठक में खुद कई बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौजूद रहते हैं। बताया गया कि पिछले 13 सितंबर को उद्योगपति प्रदीप अग्रवाल ने कोलकाता में GM के मौजूदगी में हुई बैठक में शामिल होकर 15 सूत्री मांगों को रखा था, जिसमें मुख्य रूप में कोलकाता पटना के लिए एक ट्रेन की मांग की गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान चैम्बर के पदाधिकारियों ने कहा कि रांची गिरिडीह इंटरसिटी सेवा शुरू किया गया है, लेकिन कारोबारी गतिविधियों के लिहाज से यह काफी नहीं है, बल्कि और ट्रेन सुविधा बढ़ाने की जरूरत है। इस बाबत प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि फेडरेशन का चुनाव किशोर मंत्री की टीम ने जीत हासिल की, जिसमें 21 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि कारोबारी और आम लोगों के हित में कई कार्य किए जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य यही था कि फेडरेशन का चुनाव संपन्न हो चुका है और किशोर मंत्री की टीम ने जीत हासिल कर ली, और उसमें जो है किशोर मंत्री जी की टीम 21 सदस्यों की थी, उसमें 19 विजयी हुए हैं और 2 निर्दलीय विजय हुए। और गिरिडीह से गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दोबारा मुझे क्षेत्र उपाध्यक्ष कोलांचल का भार दिया है, मैं निर्विरोध मेरे को चुना है, मैं इसीलिए गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अपने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बार
पुरानी टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत सा जो पुराना काम था फेडरेशन का, चैम्बर का, जो हम लोग गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हम लोग सब मिलकर सब करेंगे। और पिछले साल भी हम लोग बहुत सी कोशिश किए, बहुत सा काम हम लोग अधूरा रह चुका है। जैसे मेरे को फेडरेशन के तत्वाधान में ही JDRCC मेंबर का भी भार दिया गया है, जो मेरा कार्यकाल जो है जनवरी 2025 तक का है। उसमें मैं कोशिश करूँगा गिरिडीह से रिलेटेड जितनी भी समस्या है रेल से संबंधित, उसमें हम लोग को कितना हम लोग सफल हो सकेंगे ये तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का प्रयास काफ़ी जारी है। हम लोग अभी 5 सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल रेल मंत्री से मिल के आए थे। हमने अभी 13 सितंबर को JDRCC की मीटिंग थी ईस्टर्न रेलवे की कलकत्ता में, उसको भी हम अटेंड किए थे। उसमें भी गिरिडीह से संबंधित सब समस्या को दिए थे। अभी 20 तारीख को NRSUC एंड JDRCC की पूरी ओल्ड रबिया की मीटिंग थी, उसमें भी मैं उपस्थित हुआ था। उसमें भी मैं अपने जो NRCC के मेंबर थे, जो बोर्ड के सदस्य होते हैं, उनको भी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उसके अलावा कल जो है ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक ग्रीडी अपनी औपचारिक ऑफिशियल विजिट में आए थे, उनसे भी हम लोग का चैम्बर का डेलीगेशन जो है सब मिल के आया था। उनको ग्रीडी से संबंधित सारी समस्याओं के बारे में बताए थे। माननीय विधायक जी भी पूरा प्रयास करें कि कुछ जो ग्रीडी से रेल से संबंधित जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो भी प्रयास कर रहे हैं। और माननीय सबसे सबसे हर्ष की बात है कि माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कोडरमा विधायक कोडरमा सांसद के प्रयास से ही हम लोग रेल मंत्री से मिले हैं, और उनके प्रयास से ही ये गिरिडीह न्यू गिरिडीह रांची की ट्रेन चालू हो सकी। और उनका अभी हमसे 3-4 दिन पहले भी बात हुई थी, तो बोले प्रदीप जी एक बार फिर आना पड़ेगा, तो वो फिर रेल मंत्री से हम लोग मिलने जाएंगे। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ हम लोग का प्रतिनिधिमंडल फिर जाएगा और महाप्रबंधक ईस्टर्न रेलवे से भी मिलेगा कि गिरिडीह से हम लोग को लगता है कि आने वाले दिसंबर माह तक 2-3 ट्रेनें जरूर मिलनी चाहिए। ये हम लोग का प्रयास है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गिरिडीह में हम लोग सबकी जितनी असुविधाएँ हो रही रेल से संबंधित और जो भी समस्याएं आएंगी जो फेडरेशन के माध्यम से हो सके, जो बात सरकार तक पहुंचा सके, हम लोग प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सके और सरकार से हम लोग इसमें जो भी मदद ले सके ये हम लोग कोशिश करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।